Hello everyone, this is DF and today we are learn in this class about the sets. जी हाँ दोस्तों, आज हम sets पे पढ़ेंगे और sets पे जो key points है वो आज इन पे discuss करेंगे जो लिखी हुई है. Union of sets पे, intersection of set पे, difference of set पे, symmetric difference पे बात करेंगे, complement पे, De Morgan's law और subset and power set. Friends, हमने दो set consider किए हैं. एक set है हमारा A जिसके member हैं 1, 3, 4, 5 एंड बी सेट के मेंबर हैं 2, 4, 5, 6. सेट्स के बुनियाद पे ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पायरेंट्स के लिए. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी जो की पॉइंट है वो है यूनियन ऑफ सेट्स. दोस्तों, यूनियन ऑफ सेट की बात करें तो यूनियन ऑफ सेट में जो सिंबल यूज है सबसे पहले वो होती है हमारी यू. जी हाँ फ्रेंड्स, यूनियन के लिए सिंबल यूज होती है वो यू. इस तरह इसको लिखते हैं, उसको समझ लेते हैं. यहाँ पे ये ए, ये निशान, ये सिंबल आ गई यूनियन की और ये आ गई बी. जी हाँ फ्रेंड, ये आ गई ए यूनियन बी. इस तरह आपको अगर एग्जांपल दिया जाता कॉम्पिट एग्जाम में कि ये ए सेट है, इफ ए सेट एंड बी सेट है, फाइंड ए यूनियन बी, तो किस तरह करते. तो आज हम यहाँ पे सीख रहे हैं ए यूनियन बी. सबसे पहले क्या करेंगे, ए के मेंबर लिखेंगे फ्रेंड्स. ए के मेंबर है 1, 3, 4 एंड 5. जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेंबर हो गए. उसके बाद सिंबल जो है वो सिंबल रखते हैं, वो है हमारी यू. उसके बाद फ्रेंड्स क्या करते हैं, जो बी है तो फिर बी के मेंबर रखेंगे 2, 4, 5 और 6. जी हाँ दोस्तों, तो हमने ए के भी मेंबर रख लिए, सिंबल भी लगा लिए और हमने बी के मेंबर भी रख लिए. अब करना क्या है, अब इन दोनों के मेंबर को तरतीबवार लिखेंगे कि कोई भी मेंबर रिपीट ना हो. तो ऐसे सेट को कहते हैं हम यूनियन ऑफ सेट्स. तो फ्रेंड, इसको लिखने के लिए हमारे पास अब आंसर जो आएगा, यहाँ पे 1 है फ्रेंड तो 1 आ गया. उसके बाद फ्रेंड 2 है तो 2 आ जाएगा. फिर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 है तो 3 रख लिया. अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो एक बार 4 को लिखेंगे तरतीब बार में, 3 के बाद 4 आएगा. दो बार रिपीट नहीं होगा क्योंकि सेट का ये रूल होता है. उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 को भी हम एक बार रखेंगे. उसके बाद फ्रेंड्स वहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे. इस तरह दोनों सेट के मेंबर एक साथ रखते हैं, तरतीब रखते हैं, तो इस सेट को कहते हैं यूनियन ऑफ सेट. जो ए में मेंबर होंगे वो भी रखेंगे, जो बी में होंगे वो भी रखेंगे, दोनों साथ में रखेंगे और तरतीब में रखेंगे और मेंबर को रिपीट भी ना करने देंगे. तो इस सेट को हम कहते हैं यूनियन ऑफ सेट. फ्रेंड, अगर तीन सेट की बात आ जाए, यहां पर थोड़ा मैं और भी आप दोस्तों को ऑपरेशन समझा लेता हूं. इस तरह आ जाता ए यूनियन बी यूनियन सी. जी हाँ फ्रेंड, इसको समझ लेते हैं या प्रैक्टिस में घर बैठ के कर सकते हैं क्योंकि टाइम भी कम होता है और प्रैक्टिस के लिए आप घर में कर सकते हैं. फ्रेंड, ये इस तरह अगर आ जाए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो सबसे पहले आप दोस्त जो ब्रैकेट में होती है वैल्यूज उनको फाइंड करते हैं, उनका सेट फाइंड करते हैं. ब्रैकेट में ए यूनियन बी है तो ए यूनियन बी इस तरीके से आपको फाइंड करना है. फाइंड हो गया, उसके बाद सिंबल फ्रेंड किसकी है, यूनियन की है, तो यूनियन की फिर से इस तरीके से ए यूनियन बी फाइंड कर लिया, ये आ गया ए यूनियन बी आपका. उसके बाद फ्रेंड क्या होगा, ए यूनियन बी मिल गया. अब उसके बाद फिर से यूनियन सी है तो ए यूनियन बी लिख के फिर से यहां पे यूनियन की सिंबल देके आप सी के मेंबर रखेंगे और फिर से तरतीबार मेंबर लिखेंगे तो आप दोस्तों का ये भी यहां पे क्लियर हो जाएगा. जी हाँ फ्रेंड, यहां पे एक और भी कंडीशन होती है इस तरह ए यूनियन बी और यहां पर फ्रेंड्स होता है यूनियन और अगेन होता है ए यूनियन सी. अगर इस तरह भी आ जाए ना, तो पहले ये ब्रेकेट, फिर ये ब्रेकेट, फिर इन ब्रैकेट्स का इस तरीके से वैल्यू, फिर इन दोनों को यूनियन करेंगे, तो आप दोस्तों का ऑपरेशन घर बैठ के आसानी से हो सकता है. तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी हेल्प आप दोस्तों की हो जाएगी. आई होप आप दोस्तों को यूनियन ऑफ सेट क्लियर हो गया होगा और ब्रैकेट किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी आप घर बैठ के कर सकते हैं. कोई भी मेंबर उठा ले, कुछ भी मेंबर उठा ले, आप दोस्त आसानी से कर सकते हैं. फ्रेंड, उसके बाद आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट. इंटरसेक्शन ऑफ सेट यहां से ही फ्रेंड कर लेते हैं. सबसे पहले तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट की सिंबल जैसे कि यूनियन पी पड़ी थी, इसका उलट जो होता है ना फ्रेंड, ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट की सिंबल होता है, यू का उलट, ये होती है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. फ्रेंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट अगर यहां से हम कर लें ए इंटरसेक्शन और बी. जी हाँ दोस्तों, ए इंटरसेक्शन बी. अब जैसा कि यूनियन किया है इस तरीके से हम इसके सबसे पहले मेंबर लिखेंगे. मेंबर लिखने के बाद क्या होता है, इंटरसेक्शन का जो मतलब है ना वो अभी हम समझ रहे हैं. 2, 4, 5, 6. जी हाँ दोस्तों, इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जितने भी मेंबर हमारे सेम होंगे वो हम रखेंगे, तो उसको कहते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट. फिर से सुनिए, दोनों सेट में सेम मेंबर को एक सेट में रखने का नाम होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट.
इंटरसेक्शन की सैंपल ये होती है, दोनों सेट में सेम मेंबर चेक करते हैं कौन कौन से फ्रेंड, यहां पे वन नहीं, यहां पे वन नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, यहां पे थ्री है, यहां पे थ्री नहीं है तो यहां पे इसको भी छोड़ देंगे, यहां पे फ्रेंड फोर है, यहां पे फोर है तो ये जो मेंबर आ गया ये यहां पे रखेंगे, उसके बाद यहां पे फाइव है, यहां पे फाइव है तो इसको भी यहां पे रखेंगे। दोनों सेट में सेम मेंबर एक तरतीब में रखने का नाम होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट फ्रेंड। उसके बाद हमारा डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट भी फ्रेंड्स यहां पे समझ लेते हैं। और इसकी सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टू सेट की हम सैंपल समझते हैं फ्रेंड। ये सैंपल आप दोस्तों ने बचपन से पढ़ी है, इसको हम सब्ट्रैक्शन की सैंपल कहते हैं। तो ये सैंपल डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फ्रेंड इसको किस तरह हल करेंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अगर डिफरेंस ऑफ टू सेट हमसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाए तो उसको सॉल्व कीजिए तो किस तरह करेंगे। दोस्तों यहां पे ए सेट उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह लिख के आए हैं, ऊपर ये फाइव मेंबर और उसके बाद ये डिफरेंस फाइंड करें तो डिफरेंस की सैंपल। उसके बाद फ्रेंड क्या है, बी के ए मेंबर हैं टू फोर फाइव और ये आ गए हमारे सिक्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट में जो सेम मेंबर होते हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, बाकी जो पहले सेट में बचते हैं मेंबर, पहले सेट में बचते हैं वो मेंबर रखते हैं उनको, उसको कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो किस तरह होगा फ्रेंड, सेम मेंबर चेक करते हैं फ्रेंड, यहां पे फाइव फोर है, यहां पे फोर है, ये कैंसिल आउट, फाइव है ये फाइव कैंसिल आउट फ्रेंड। अब कह रहा है ये कैंसिल आउट हो गए, अब पहले सेट में जितने मेंबर बचेंगे, तो फ्रेंड पहले सेट में बच रहा है एक वन और कामा थ्री, सेकेंड सेट की बात नहीं हो रही है, पहले सेट में जितने मेंबर बचेंगे वो रिजल्ट जो आएगी उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट फ्रेंड। अगर यहां से b माइनस ए पूछा जाता, b माइनस ए तो क्या करते यहां पे, सबसे पहले इसी तरीके से यहां पे तो b पहले आ गया ना फ्रेंड, b जैसे पहले आ गया तो जो पहले सेट में बचेंगे मेंबर वो रखेंगे, तो पहले पहला सेट b आ जाएगा तो इसमें 2, 6 बचाएंगे तो ये हमारा b माइनस ए। इसी तरीके से जितने भी आपको डिफरेंस पे सेट मिले सेम मेंबर काट दें, पहले सेट वाले मेंबर लिख लें उसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। इसी तरीके से अगर यहां पे जैसे मैंने यूनियन ऑफ सेट आप दोस्तों को समझाया, ऐसे ही आपको इंटरसेक्शन में मिलेगा, ऐसे ही आपको डिफरेंस में मिलेगा, आप ब्रेकेट को पहले सॉल्व करेंगे फिर दूसरी सैंपल करेंगे। फ्रेंड्स आप दोस्तों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली है और हम आगे बढ़ते हैं और हमारी चौथी पॉइंट है सेमेटिक डिफरेंस। सेमेटिक डिफरेंस ही सबसे पहले सैंपल समझते हैं। सैंपल जो सेमेटिक डिफरेंस के लिए यूज करते हैं वो डेल्टा वाली करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सैंपल सेमेटिक डिफरेंस की होती है। दो फ्रेंड सबसे पहले जैसा के पहले अभी पढ़े दूसरे सेट्स भी, तो उसी तरह इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके मेंबर वन थ्री फोर फाइव और उसके बाद फ्रेंड्स इसमें बी के मेंबर लिखेंगे वो आ जाएंगे टू फोर फाइव और सिक्स। दोस्तों डिफरेंस ऑफ सेट्स और सेमेटिक डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है, जैसा कि अभी अभी डिफरेंस ऑफ सेट में हमने पढ़ा कि सेम मेंबर जो होंगे वो हो जाएंगे कैंसिल आउट, इसी तरीके से सेमेटिक डिफरेंस में भी सेम एलिमेंट हो जाएंगे कैंसिल आउट। इसमें वो बाकी फर्क ये है कि इसमें पहले सेट में जितने मेंबर बचते हैं और सेकेंड में भी जितने बचते हैं दोनों के तरतीब में रखेंगे, वन है टू है फिर से थ्री है और उसके बाद फ्रेंड सिक्स है, तो तरतीबवार दोनों सेट के बचे हुए एलिमेंट लिखने का नाम होता है सेमेट्रिक ऑफ टू सेट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आई होप आप दोस्तों को यहां तक सेमेट्रिक डिफरेंस समझ में आ गया है और हम आगे बढ़ते हैं, वो है हमारा पॉइंट्स की पॉइंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट का होना जरूरी है। दोस्तों यूनिवर्सल सेट नहीं होगा तो हम कॉम्प्लीमेंट सेट फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो यूनिवर्सल सेट यहां पे एक कंसीडर कर लेते हैं और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कैपिटल यू से यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद इसके मेंबर जो है ना फ्रेंड वो वन से लेके समझ लिए कि हमने एट तक कंसीडर किए हैं। जी हाँ फ्रेंड, वन से लेके एट तक यूनिवर्सल सेट के हमने यहाँ पे मेंबर कंसीडर किए। अब हमें फाइंड करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए या बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कीजिए। तो दोस्तों ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, जब ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए या बी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए या सी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, व्हाटसोएवर पूछा जाए, तो ए कॉम्प्लीमेंट को मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है यूनिवर्सल सेट में से उसी सेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अभी क्या करें, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट, अगर बी कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए तो यूनिवर्सल सेट में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर सी पूछा जाए सी कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से, ये तरतीब चलती रहेगी। तो आपको यूनिवर्सल सेट जैसा कि गिवन है उसके मेंबर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। जी हाँ दोस्तों, ये आ गए आपके यूनिवर्सल सेट के। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है,
उसके बाद है आपकी डिफरेंस की सिंबल, फिर से ए, तो ए के मेंबर आप दोस्त जानते हैं वो क्या है फ्रेंड्स, वो है आपके वन, ये थ्री, ये फोर और फाइव। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी आपने डिफरेंस पढ़ लिया है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस में सेम मेंबर काट देते हैं, क्योंकि ये डिफरेंस आ गया ना फ्रेंड, देखे यू माइनस ए मीन्स जिस तरह डिफरेंस अभी पढ़ा है वही कंडीशन आ गई। तो जो सेम मेंबर है ये सेम कट गए, इसमें थ्री कट गया थ्री में, फोर कट गया फोर में, फाइव कट गया फाइव में। तो डिफरेंस में क्या होता है, जो सेम मेंबर कट गए बाकी जो पहले वाले में बचते हैं उसको कहते हैं हम डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो यहां पे टू सिक्स सेवन और एट, जी हाँ फ्रेंड डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ के आए। और ये क्या मिला हमें, ये मिला हमें ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है, चाहे बी कॉम्प्लीमेंट हो या सी कॉम्प्लीमेंट हो। आई होप आप दोस्तों कोई कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया। इमार्गन्स ला के लिए दो स्टेट होती हैं, उसकी एक स्टेट है हमारे पास जो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फ्रेंड बहुत ही आसान है, आप दोस्त इसको याद रख लीजिए, अगर अंदर ब्रैकेट में यूनियन आ गया तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो बाहर जो बराबर के बाद राइट साइड में मिलेगा वो मिलेगा ए कॉम्प्लीमेंट, और सिंबल चेंज हो जाएगी इंटरसेक्शन की और बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरी में हमें लेफ्ट हैंड साइड में अगर मिल जाए इंटरसेक्शन तो राइट हैंड साइड में मिलेगा यूनियन, और यहाँ पे होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वहां पे सेपरेट में रखेंगे। ये दो स्टेटमेंट होती है, यहां पे यूनियन है यहां पे इंटरसेक्शन है, यहां पे इंटरसेक्शन है यहां पे यूनियन है, यहां पे होल कॉम्प्लीमेंट है यहां पे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है। ये स्टेट पूछी जाती है कि ऐसी स्टेटमेंट दे दें और पूछे ये ला किसका है, तो आप दोस्त बिना खुटके के करेंगे कि ये डी मॉर्गन्स ला है, ये पूछी जाए या ये, दोनों स्टेट डी मॉर्गन्स ला की होती है। उसके बाद हमारी पॉइंट है वो सबसेट एंड पावर सेट। दोस्तों अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे और हमसे पूछा जाए कि यहां पे मिसाल के तौर पे ए सेट है और बी सेट है, कि इस ए सेट में कितने पॉसिबल सबसेट या कितने पॉसिबल पावर सेट हो सकते हैं, तो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था पावर सेट या सबसेट को फाइंड करने के लिए टू पावर एन। जी हाँ फ्रेंड्स, टू पावर एन एक हमारे पास फार्मूला होता है जिसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं इसमें कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं या इसमें कितने पॉसिबल पावर सेट हो सकते हैं। पावर सेट या सबसेट पूछा जाए, सबसेट या पावर सेट पूछा जाए कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, तो इस फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। जैसा कि क्या है, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं हमारे को एन को। जी हाँ फ्रेंड, ये जो एन है ये मैम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें कितने एलिमेंट है फ्रेंड, चार एलिमेंट है, तो क्या करेंगे टू एन की जगह पे रखेंगे चार, और इसका टू को फोर टाइम्स हम पावर खोलेंगे तो जो रिजल्ट बनेगी वो हमारे पॉसिबल सबसेट होंगे। तो फ्रेंड टू को फोर टाइम ओपन करेंगे तो 16 आंसर। अगर फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल यहां पर लिख लेते हैं, इसमें एक एलिमेंट है और पूछा जाए इसमें कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं या पावर सेट हो सकते हैं, फ्रेंड वही फार्मूला टू और एन की जगह पे रखेंगे वन और टू का पावर वन खोलेंगे तो इसमें टू। तो आप इस फार्मूला की मदद से बहुत सारे टेक्स्ट बुक में से और भी एग्जांपल कर सकते हैं पॉसिबल सबसेट और पॉसिबल पावर सेट कितने हो सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये स्पेशली पूछे जाते हैं फार्मूला की मदद से फाइंड करना कितने हो सकते हैं। दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आप दोस्तों को इन की पॉइंट्स पे अच्छी लगी है पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स ये आपका अपना चैनल है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आप दोस्तों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।